हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे अपम। अपम बनाने के लिए मेरे पास एक कटोरी सूजी है। अपम के साथ गन पाउडर बनाएंगे और चटनी बनाएंगे। दही डालेंगे, नमक, पानी, बैटर बना लेंगे। बैटर ना पतला ना गाढ़ा होना चाहिए। बनाने के लिए बारीक सूजी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है, मिक्सी में पीस सकते हो। 10 मिनट के लिए कर रख दो। बैटर में इनो डालेंगे। इनो तब ही डालना जब बनाना हो। देखो नीचे से कितना अच्छा कलर आया है। अपम बनकर रेडी हैं। ये देखो कितने जालीदार हैं। गन पाउडर बनाने के लिए 1 स्पून हुआ चना, 1 स्पून मूंगफली, 1 स्पून चने की दाल, 1 स्पून उड़द की दाल, 1 स्पून मेथी, 1 स्पून साबुत धनिया, 1 स्पून काली मिर्च, 1 स्पून नारियल का बरूदा, 1 स्पून इमली बिना गुठली की, 3 चम्मच लाल मिर्च, हींग पाउडर। इन सबको भून लो। धीमी आंच पर भून लेंगे, नमी दूर हो जाए। सारी सामग्री हमारी भून गई है। लेंगे इस कर पाउडर बना लो। गन पाउडर बनकर रेडी है। इडली में खाओ, अपम में खाओ। चटनी बनाने के लिए ये मूंगफली, भुना हुआ चना, हरी मिर्च, इमली, नारियल, स्वाद अनुसार नमक, पानी पीस लो। चटनी बनकर रेडी है। तड़के के लिए 1 स्पून ऑयल, राई को अच्छे से चटकने दो। चटनी बनकर रेडी है। तो आप चटनी से खाइए, गन पाउडर से खाइए। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आगे बढ़ाइए। बाय।